डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन का दुकान के लिए लाइसेंस अगर आपको लेना है तो ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन का भी एक नया झारखंड सरकार ने एक वेबसाइट को लॉन्च किया है जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, सिंपल स्टेप है। मैं आपको हर एक स्टेप दिखा दे रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको लिंक भी बता दे रहा हूँ और लिंक में कैसे जाना है, क्या करना है, क्या क्या तरीका है ताकि आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दो। दुकान या पीडीएस डीलरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले एक चीज बता दूं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होता है, आप कमेंट करके मुझसे सवाल कर सकते हो। मैं आपको कमेंट के लिए हमेशा रिप्लाई के लिए रेडी हूँ। कोई भी दिक्कत होता है फॉर्म फिलअप में, कुछ भी प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर करना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को कर देना शेयर, क्योंकि झारखंड है बहुत बड़ा, झारखंड में बहुत सारे हैं जिला, हर एक जिला में आपके जितने भी रिलेटिव या फ्रेंड है अगर वो भी करना चाहते हैं उनको इस वीडियो को आप दे देना, शेयर कर देना ताकि वो भी इस प्रोसेस को जान जाए और इसके लिए इसके थ्रू से अप्लाई कर दे। आज ही अपने वीडियो के नीचे जो लिंक दिखा हुआ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन वो भी दबा देना और शेयर कर देना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ताकि वो भी इसको अप्लाई कर सके। ओके फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया डीलरशिप के लिए, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस मैं पूरा बता दे रहा हूँ। देखो, आपको यहाँ पे सामने ये वेबसाइट तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, इस वेबसाइट का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, बट उससे पहले मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या जरूरत पड़ेगा और हर एक चीज पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दे रहा हूँ। पूरा देख लो वीडियो को, उसके बाद आपको वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेरा मिल जाएगा, आप वहां पे चल जाना और वहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। पहले प्रोसेस देख लो, तो क्या करना है, सबसे पहले ये जो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ इसको आप ओपन करोगे, कुछ इसी तरह का दिखेगा, लॉग इन करके ऑप्शन आएगी। तो आपको अभी लॉग इन करना नहीं है क्योंकि आप तो इसमें रजिस्टर्ड हो नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे नीचे आना है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक विंडो आ जाएगा रजिस्ट्रेशन वाला, सेलेक्ट यूजर कैटेगरी आएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके लेना है सबसे पहला ऑप्शन इन्वेस्टर, एप्लीकेंट, कंपनी फर्म, LLP, प्रोप्राइटर, सोसाइटी, ट्रस्ट, इस वाले ऑप्शन को ले लेना, ओके कर देना। आपको लेने के बाद फर्स्ट नेम तो आपको अपना नाम लिख देना भाई, इसमें सिंपल है, कुछ भी करना नहीं है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ सेम प्रोसेस। मिडिल नाम में आपका बीच का नाम, मान लीजिए मेरा नाम है मिथिल कुमार मंडल, तो मैंने फर्स्ट नाम में दिया मिथिल, मिडिल में दिया कुमार और लास्ट में दिया मंडल। ईमेल आईडी में आपका जो भी ईमेल आईडी आपके पास है, नहीं है तो बना लीजिए, कोई टाइम नहीं लगता, आराम से इंडिया रहने दीजिएगा, मोबाइल नंबर लेके सबमिट करिएगा। इतना करने के बाद होगा क्या, आपका आपके मेल पे एक मेल आएगी, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ, मैं ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड कर लिया है। इतना करेंगे आप तो आपके मेल पे मेल आईडी आएगी, वो मेल आईडी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मेल आती है, मेल पे सारा प्रोसेस देख लो भाई, ठीक है, क्या क्या करना है, ऐसे नहीं कि फंस जाना। नाम वगैरह डाले आपने, नाम देते ही गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से एक OTP जाएगी आपके मेल पे, ठीक है, OTP आएगी, उस OTP आपको सर्व कर देना सबमिट। OTP सबमिट करने के बाद फिर आप मेल खोलना तो इस पे और एक मेल आएगा जिसमें पासवर्ड क्रिएट करने का एक लिंक आएगा आपका यहाँ पे, ये मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने किया तो मेरे को एक लिंक आया, ये वाला लिंक आप यहाँ पे देख लो, ये इस तरह का कुछ लिंक आएगा, ये जो ब्लू कलर का है ना पासवर्ड लिखा हुआ, तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो न्यू पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड में आप जैसे कोई भी लेटर दे देना अल्फाबेट, जैसे मान लो धनबाद है तो आपने लिखा धनबाद @1234, इस तरह का कुछ भी पासवर्ड आप अपने हिसाब से दे देना। ये देने के बाद अब आपको सिंपली इस वेबसाइट पे लॉग इन कर लेना। अब आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ, ये बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने तो कर लिया, मैं डायरेक्टली अब लॉग इन करके आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे इस पे अप्लाई करना आपको, ठीक है। तो आईडी देनी है आपको, पासवर्ड दे देनी है आपको, जो भी आपने बताया था अभी मैंने जो पासवर्ड के लिए, तो वो पासवर्ड दे करके आपको लॉग इन करना है। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे एक कैप्चा आता है, कैप्चा आपको टाइप करना है 7MDP, तो कैप्चा बड़ा दिक्कत काम इसमें सबसे होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, 7M थोड़ा सा देख के आपको टाइप करना है, DPVV, ठीक है, VV इतना आपको लिखना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना, ठीक है। आईडी दे दिए, पासवर्ड दे दिए, देखो कुछ ऐसा आपका खुलेगा डैशबोर्ड, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपको अपना नाम, जैसे झारखंड का ये डैशबोर्ड है, ये मेरे नाम पे खुला हुआ है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे आपको जाना है नीचे, नीचे जाओगे एक ऑप्शन देखो दिखेगा, यहाँ पे पहले ही दिख रहा है यू कैन अप्लाई फॉर सर्विस ओनली आफ्टर सबमिटिंग कैप। कैप क्या होता है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है कि आप कौन हो, ये सबमिट करने के बाद ही अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना अप्लाई CAAP यानी कैप पे,
तो यहाँ पे आपको नीचे देखो एक सवाल आएगा, यस या नो का पूछ रहा, डू यू ऑलरेडी नो योर सर्विस, आपको पता है आप क्या करने जा रहे हो? हाँ पता है, तो इसलिए आप यहाँ पे यस ही करना, नो नहीं करना। यस सेलेक्ट डिपार्टमेंट सर्विस लिस्ट और यहाँ पे कर देना आप सबमिट। जैसे आप ये सबमिट करोगे ना, अब यहाँ पे देखो आपके पास एक पूरा का पूरा फॉर्म खुल गया जिसको आपको फिल करना है। नेम ऑफ प्रोमोटर यानी आपका नाम, जिस नाम पे आप चाहते हो लाइसेंस लेना उसका नाम। नेम ऑफ प्रोजेक्ट सिंपली लिख देना पीडीएस डीलरशिप यहाँ पे। एड्रेस लाइन आपका जो भी एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रिक्ट जो आपका जिला है, शहर है, प्राइमरी प्रोडक्ट सर्विस क्या क्या आप लिख लेना, राइस वेट किसका लेना है, रीजनल यहाँ पे आपको ले लेना। इसके नीचे देखो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में यहाँ पे प्लीज फिल डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यहाँ पे आप कुछ भी अपना नाम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट है, प्लीज सेलेक्ट डिपार्टमेंट। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, क्या आपको डिपार्टमेंट लेना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, वो नाम वगैरह आप भर लोगे। यहाँ पे आपको लेना है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, डिपार्टमेंट ऑफ यूटिलिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड किधर है भाई, डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है ये ऑप्शन लेना। देखो यहाँ पे अच्छा से देख लो, डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर ऑफिसर। अब यहाँ पे आपको लेना है सेलेक्ट सर्विस, सर्विस क्या लेना है, देखो सर्विस क्या लेना है, आपको लाइसेंस लेनी है तो किस चीज का, देखो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है न्यू लाइसेंस फॉर डीलर ऑफ वेट एंड मेजर इक्विपमेंट, ठीक है डीलर के लिए लेना आपको, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या कर देना है, इसको सबमिट कर देना, पहले आप पूरा भर लेना, सबमिट कर देना। इसके बाद का छोटा छोटा प्रोसेस है जो आप इजीली कर लोगे, पहले आप इतना कर लो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, शेयर कर दो। अगर कोई आपका रिलेशन भी, आप झारखंड तो बहुत बड़ा है, इतने सारे जिले हैं, तो कोई आपका रिलेशन भी इसको अप्लाई कर ले तो उनको आप शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि पूरा प्रोसेस देख ले और वो भी अप्लाई कर दे। वीडियो को चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि ऐसा दिक्कत आपको दोबारा ना हो। कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझको कमेंट करो डायरेक्टली, मैं आपको सर्व करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। इसको आप आज ही अप्लाई करो, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दिया है, आप वहां पे जाकर के सारा प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप कर लो। ओके फ्रेंड, थैंक यू।